गाइस वेलकम बैक टू द क्लास विद टोनी अगेन। और आज मैं लेट के ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरा आज लेट के वीडियो बनाने मन कर रहा है। और मैं यहाँ पर लेके आया हूँ TH11 की सबसे पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी। इस अटैक स्ट्रेटजी का कोई तोड़ नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, 3 गोलम 13 विचेस और जो है वॉल ब्रेकर वैसे मैं यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वो केसेस के लिए। लेकिन जो मेन आर्मी है 3 गोलम 13 विचेस विजर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वॉल ब्रेकर के जाए। यहाँ पे किंग क्वीन और वार्डन स्पेल से आप देख सकते हैं 6 जो है लाइटनिंग स्पेल, 1 ब्रीज स्पेल, 2 अर्थक्वेक स्पेल। और यहाँ पे इसने पॉइजन यूज़ करा है, आप चाहे तो फ्रिज भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसके बजाय आप यहाँ से 1 लाइटनिंग स्पेल हटा के रेज भी यूज़ करते हो। वैसे ये आर्मी एग्जैक्टली सही है, तो बस इसी आर्मी के अकॉर्डिंग चलो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ठीक है। तो इसमें करना क्या, मेन चीज़ आपका सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है गाइस कि इस आर्मी का तोड़ इसलिए कोई नहीं पूरी कर सकता क्योंकि इसमें आपका जो मेन डिफेंस है वो इन्फर्नो मल्टी इन्फर्नो हो तो सबसे बड़ा जैकपॉट है। सिंगल ना वैसे ज़्यादातर इन्फर्नो ही है इसमें। तो आप करना क्या, इस अटैक में ये जैप और लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग स्पेल और फिर से आपको ये दोनों ए डिफेंस करो, सॉरी इन्फर्नो टेक डाउन कर देना। और जो लॉन्चर से आपको ईगल निकाले लॉग लगाई लॉन्चर से ताकि जो आपकी विचेस पे ना डैमेज ना हो। तो मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ, जैसे आप देखते हो 3 लाइटनिंग स्पेल यूज करके 2 ही लाइटनिंग स्पेल यूज कर देंगे क्योंकि 2 में निकलाया। और यहाँ पर देख सकते आप 7 लाइटनिंग स्पेल फिर अर्थक्वेक स्पेल डाल दिया है। और बस खाली ये देख रहे हो जो सारे इन्फर्नो टेक डाउन हो गए और आपको यहाँ पर ईगल आर्टिलरी ही डालनी है, निकालनी है। तो आपको करना क्या है, गोलम पहले डालने पीछे से 3 ताकि जो आपके लॉग लॉन्चर है वो बचा रहे। और पीछे से विचेस पंप शुरू कर देना, सारे के सारे विचेस डाल देनी है। और लॉग लॉन्चर में आपको सी से मैं कुछ भी लेके रहते हो, आप आइस गोलम यति लेके रहते हो, मैं ज़्यादा तो बॉलर्स अच्छे रहते जिसमें इसने आइस गोलम और यति यूज़ कर रखे हैं। यतीज़ वैसे अच्छे है कि मैं रेकमेंड भी यतीज़ ही करूँगा कि इसके डैमेज काफ़ी अच्छी है। बॉलर्स क्या होते हैं कि आपको जब भी जाइंट बम आता है बॉलर्स वही गेम मर जाते हैं, इसने आइस गोलम और यति ले रखा है। तो सबसे बढ़िया मुझे ये सीसी लगा आइस गोलम यति, तो मैं आपको आइस गोलम और यति यूज़ करने का रेकमेंड करता हूँ। और देख रहे हो गाइस, मतलब बहुत सिंपल अटैक, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ आपको 2 इन्फर्नो निकाल देने और ईगल की तरफ से आर्मी की सारी छोड़ देने, पहले 3 गोलम्स और लॉग लोवाई लॉन्चर, उसके बाद विथ स्पैम कर दो। वार्डन एबिलिटी आपको सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करना, जैसे आपको लगे अपनी वार्डन एबिलिटी दे दो तो आप दे दो ना। और देख रहे हो गाइस, पॉइजन का अभी तो अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ है, स्पेल भी यूज़ नहीं हुआ है ज़्यादातर। बहुत ही पावरफुल आर्मी गाइस, बहुत पावरफुल आर्मी। तो एज यू कैन सी गाइस, फेस से कुछ बचा दिया। वार्डन की स्किल अभी भी एबिलिटी है, लेकिन अभी भी वार्डन की एबिलिटी है, किंग एबिलिटी चले गई है ठीक है। और क्वीन की एबिलिटी बची है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि अगर गाइस वीडियो में माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी ना घर में काम चल रहा है इसलिए अगर वीडियो पे आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में कहीं घर वालों की, तो मैनेज कर लेता ना, सब कुछ दिया था। तो देख रहे आर्मी बहुत ओपी है। अगर इस आर्मी के बारे में कोई भी कंप्लेन हो या फिर डाउट हो, कंप्लेन रहती हूँ ये आर्मी की बड़ी खतरनाक है, डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के जो बताना। और अगर चैनल पर नया तो हिट कर लाइक बटन और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया, सब्सक्राइब वाला बटन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखा जाए काफ़ी बढ़िया ही तरीके से पूरी आर्मी देख रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं है यार ये आर्मी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।